तरुवर सरोवर संत जन, चौथा बरसे में परोपकार के कारण चारों धारे दे, अर्थात वृक्ष, सरोवर का शीतल जल, बादलों से बरसती अमृत वर्षा, जिस प्रकार बगैर किसी भेदभाव के निष्काम भाव से समस्त जगत के सुख के लिए अपना अस्तित्व समर्पित करते हैं, वैसे ही साधुजन, संतजन व गुरुजन सारे मानव जगत के कल्याण के लिए अपने हर श्वास की भेंट देते चले आते हैं। पर जब ऐसे परोपकारी जीवन देह का परिवर्तन करते हैं तो मानव मन निस्संदेह शोक व एक गहरे अभाव का अनुभव करता है। ऐसा ही आकस्मिक आघात करोड़ों मानव हृदयों को तब महसूस हुआ जब 13 मई 2016 को मानवता, प्रेम, दया, करुणा, ज्ञान, विश्वास, विशालता, सहनशीलता व अन्य अनंत गुणों के स्वामी सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के ब्रह्म रूप हो जाने का दुखद समाचार कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल से सारे विश्व में प्रसारित हुआ। दोस्तों, सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने गुरुपद पर 36 वर्ष नहीं 36 युग जिए। बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी और बाबा गुरुबचन सिंह जी की विरासत को बाबा हरदेव सिंह जी ने न केवल निभाया बल्कि सजाया, संवारा और एक पावन रूप दिया। फ्रेंड्स, द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ हिज होलीनेस निरंकारी बाबा जी वर सो इंस्पिरेशनल, पायस एंड डिवाइन दैट इट वुड सर्टनली बी नो एग्जैजरेशन टू स्टेट दैट बाबा जी लिव्ड हिज लाइफ एज एन एरा एब्सोल्यूट, which was clearly evident by the number of condolence messages received on the sudden and shocking news of the departure of Sadhguru Babaji's mortal body. Lakhs of devotees arrived at New Delhi headquarters of the mission to receive the last darshan of their Sadhguru, and later in the Antim Yatra of the mortal body of His Holiness. Come, let's take a look at the report. Sadhguru aunda duniya utte सारे ही संसार लई, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते दुनिया दे उद्धार लई, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते एके दे प्रचार लई। संपूर्ण अवतार वाणी की इन पावन पवित्र पंक्तियों की साक्षात अभिव्यक्ति था सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जीवन। प्रेम, दया, करुणा, विशालता, सहनशीलता, निर्मलता और कोमलता जैसे अनंत दिव्य गुणों का एक सुख सागर था बाबा हरदेव सिंह जी का जीवन। हर भक्त के हृदय सम्राट और मानवता के मसीहा हरदेव सिंह जी का जन्म 23 फरवरी 1954 में गुरबचन सिंह जी और कुलवंत कौर जी के परिवार में हुआ। सरल और विनम्र स्वभाव वाले इस भोला ने हर कर्तव्य और हर सेवा को गुरमत के आधार पर निभाया। गुरुपद पर आसीन होने के बाद भी उसी विनम्रता और अंतहीन प्रेम से लाखों लाखों के निरंकारी परिवार को कृतार्थ किया। निरंकारी राजमाता जी व पूज्य माता जी को साथ लेकर वो वक्त से भी तेज रफ्तार से चलकर देश विदेश में लगातार बिना थके बिना रुके कल्याण यात्राएं करते रहे। सारे विश्व को एक निराकार प्रभु से जोड़कर, सबको एक सूत्र में बांधकर इस विश्व में एकत्व स्थापित करने का प्रयास करते रहे। मानव हित और सेवा के कई ऐसे विलक्षण कदम उठाए, कई ऐसे फैसले लिए जो वैश्विक स्तर पर सभी के द्वारा सराहे गए। और परोपकार की इस अद्भुत यात्रा में अचानक 13 मई 2016 को न्यूयॉर्क से मॉन्ट्रियल जाते वक्त आप शारीरिक रूप से हमारा साथ छोड़ गए। साकार निराकार हो गया। सदगुरु बाबा जी के साथ उनके छोटे दामाद अवनीत जी भी ब्रह्मलीन हो गए। सारा विश्व सिहर उठा, मानो जैसे अंधकार छा गया हो। लाखों भक्त अपनी आंखों में आंसू भरे निरंकारी कॉलोनी पहुंचने लगे।
सदगुरु बाबा जी के पार्थिव शरीर को मॉन्ट्रियल में दर्शनों के पश्चात भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से निरंकारी कॉलोनी तक की यात्रा में हर भक्त शोक में निष्प्राण और स्तब्ध दिख रहा था। अंतिम दर्शनों के लिए सतगुरु बाबा जी व अवनीत जी के पार्थिव शरीर को बुराड़ी दिल्ली स्थित ग्राउंड नंबर 8 में रखा गया। लाखों की संख्या में देश विदेश के कोने कोने से भक्तों के समूह गुरुदेव के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। सबकी निगाहें उस मुस्कान को ढूंढ रही थी जिसे पाकर हर भक्त की मानो हर समस्या हल हो जाती थी। मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तुही निरंकार, तुही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। हर आंख नम, हर हृदय में पीड़ा, क्योंकि बाबा जी ने सबको ही अपने प्यार और करुणा के ऐसे आशीष दिए कि सभी को ऐसा लगता था कि बाबा जी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी ने गुरुपद पर 36 साल नहीं, एक युग जिया, एक मुकम्मल युग, आध्यात्मिक पटल पर एक स्वर्णिम युग। हर परिवेश से शोक संदेश पहुंचने लगे। कई राजनीतिक बंधु, विभिन्न धर्म व संप्रदायों के प्रतिनिधि व अन्य कई गणमान्य लोग गुरुदेव के अंतिम दर्शन पाने पहुंचे। एक तू ही निरंकार। अवतारवाणी के शब्द और निराकार प्रभु का सुमिरन निरंतर भक्तों का सहारा बने रहे। तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर, वांग कमल दे न्यारा रे। तेरे अंदर खावे पीवे, तेरे अंदर डेरा रे। गंगा वांगू निर्मल होवे, ना तेरा ना मेरा रे। ना हिंदू ना मुस्लिम जाने, पेद ना सिख ईसाई दा, उच्चा हो के नीवा समझे। माण नहीं दा नहीं दा। परम पूज्य माता जी, जिनके लिए ये एक व्यक्तिगत हानि भी थी, धैर्य और विशालता का प्रमाण बनकर सभी भक्तों के श्रद्धा नमन स्वीकार करते रहे और अपना पावन आशीष भी देते रहे। संत जनादा वड्डा जेवर। दिन रात दर्शनों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे में 17 मई की रात मंच से एक ऐसी घोषणा हुई जिसे सुनकर लाखों भक्तों के हृदय को सहारा मिला। दास प्रार्थना करेगा मिशन के वयोवृद्ध महात्मा के सतगुरु रूप में परम पूज्य माता जी का स्वागत करें। बोल सतगुरु परम पूज्य माता जी। बोल सतगुरु परम पूज्य माता जी की जय। प्रेम से बोलो प्यारे हो, जो बोले तिस पर
निहालिहार तन निरंकार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की निरंकारी राज माता गुरुवचन अवतार की सतगुरु परम पूज्य माता जी की जय। सात संगत जैसे बाबा जी का आदेश सुना अब सतगुरु परम पूज्य माता जी आप सबकी संभाल करेंगे। आप सबके सर पर पहले भी इन्हीं का हाथ इन्हीं की ममता और आज से ये इनकी ममता आप सबको कई गुना ज़्यादा मिलेगी। माँ का रूप और सतगुरु सतसंग जी प्यार से कहना धन्यवाद। सतसंग जी बाबा जी तो ही वॉज लव पर्सोनिफाइड सबकी गलतियां भी प्यार से माफ़ करके टाल देते थे। कुछ भी हो वो सिर्फ प्यार ही प्यार थे। हम सब बाबा जी को इसीलिए बहुत प्यार करते हैं पर बाबा जी ये भी चाहते थे कि हमारा आपसी प्यार भी बहुत ज़्यादा हो और आज हम सब मिलके ये कसम खाएं कि जैसे बाबा जी चाहते थे हम मिलजुल के सबके साथ प्यार से आगे बढ़ें और इस मिशन को और आगे पहुंचाएं। सत्संग जी धन्य। निरंकारी परिवार की परम पूज्य माता जी को सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के रूप में देखकर हर श्रद्धालु भक्त गहरे संतोष और शुक्राने के भाव से अभिभूत हो उठा। ऐसे में सदगुरु बाबा जी के 8 मई 2016 में न्यू जर्सी में दिए गए उन प्रवचनों की वीडियो भी दिखाई गई जिसमें गुरुदेव ने पूज्य माता जी के नाम का संकेत पहले ही दे दिया था। सत्संग जी प्रेम से कहना। सत्संग आज अभी मदर्स डे का भी जिक्र हुआ और उसको मनाया भी जा रहा है और योगदान जो मातृशक्ति के होते हैं और युगों युगों से रहे हैं और जिसके कर्ज कभी चुकाए नहीं जा सकते हैं तो इस प्रकार से जैसे राजमाता जी का जीवन जो हमने देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने पूर्ण भक्त बनकर कोई भी ध्यान ना रखते हुए कि मैं किसकी बहू हूँ या मैं किसकी पत्नी हूँ किसकी माँ हूँ कतई उस रिश्ते को महत्ता ना देते हुए केवल और केवल गुरमत का रिश्ता एक गुरसिख का रिश्ता और वाकई उस तरह से सबको जी के दिखाया है एक एक कदम पर जी के दिखाया है और इसी प्रकार से दातार कृपा करे कि ऐसे ही मातृशक्ति का सत्कार बना रहे और सभी इसी भाव से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। तो महापुरुषों ने तमाम विश्व भर से ही यही प्रार्थनाएं अरदासें की कि इस तरह से पूज्य माता जी को भी हम रिश्वश देखें तंदुरुस्त देखें और साथ साथ देखें दातार कृपा करें कि वो भी साथ संगत को दर्शन देते रहें और उसी प्रकार से सबको प्यार अपना देते रहें और इसी साथ संगत के लिए लगातार जैसे फैसले हाथ बटा रहे हैं बटाते आए हैं उसी तरह से साथ संगत की संभाल करते रहें और यही हर भक्त के मन की इच्छा यही अरदास यही प्रार्थना विश्व भर में रही है। तो दास और ज़्यादा शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे ज़्यादा चाहेगा साथ संगत जी। 18 मई 2016 की सुबह ग्राउंड नंबर 8 से सदगुरु बाबा जी व उनके अनन्य भक्त अवनीत जी के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई। निरंकारी मंडल के कई अधिकारी व गुरु परिवार के सदस्यों ने गुरुदेव के पार्थिव शरीर को
पुष्प समर्पित किए। लाखों लाखों की संख्या में भक्त बाबा हरदेव सिंह जी को अंतिम विदाई देने पहुंचे। घरों की छत से, दुकानों से, सड़कों से, चौराहों से हर सर सम्मान में झुक गया उस महान जीवन के प्रति जो मानव कल्याण के प्रति समर्पित रहा, जिसने हर दिल को छुआ। सिमरन के स्वर हर तरफ गूंज रहे थे। निरंतर सुमिरन करते सभी चलते रहे, मानो मन में ये संकल्प लिए कि गुरुदेव के बतलाए रास्ते पर ऐसे ही चलते रहेंगे। निरंकारी सरोवर से बढ़ती हुई ये यात्रा निरंकारी कॉलोनी किंग्सवे कैंप होती हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंची। सतगुरु बाबा जी व अवनीत जी के पार्थिव शरीर की ये यात्रा अंत में निगम बोध घाट स्थित सीएनजी दागृह पहुंची, जहां भीगे नयनों से मानवता के अथाह समंदर ने उस जीवन को अंतिम विदाई दी जो समंदर से भी गहरा था, आसमान से भी विशाल था। पंच तत्वों में मिल गए, रह गया तो बस निरंकार। इसी दिन दोपहर 3 बजे से बुराड़ी स्थित समागम ग्राउंड स्थल पर बाबा हरदेव सिंह जी के विशाल व संपूर्ण दिव्य जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर देश विदेश से पधारे लाखों लाखों का भक्त परिवार एकत्र हुआ। अनेक महात्माओं ने गुरुदेव के प्रेम व करुणा के प्रसंग साझा करते हुए इस दुख की घड़ी पर निराकार प्रभु परमात्मा के संग व स्मरण करने की बात कही।
कार्यक्रम के अंत में सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी ने मौजूद परिवार को अपने पावन शब्दों के द्वारा बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं से जुड़ने की ही प्रेरणा दी। सत्संग जी आप सबने मिलके मेरे साथ जहाँ बाबा इस मिशन को जिस ऊंचाई पे देखना चाहते थे, एवरी शोल्डर यूनाइटेडली विल हेल्प मी टू रेज द मिशन एंड सी इट वेयर बाबा जी वॉन्टेड टू सी इट। डन। साथियों, हर बार हम आपको सबसे पहले न्यूज़ डिवाइन में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा की जाने वाली कल्याण यात्राओं के बारे में जानकारी देते थे। आज हम सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समस्त गुरु जीवन की अनेक कल्याण यात्राओं पर नज़र डालेंगे। देश के छोटे से छोटे गांव व कस्बों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक समाज के हर वर्ग के मानव को लाखों मील का सफ़र तय करते हुए गुरुदेव ने जो कल्याण का सिलसिला निभाया वो अपने आप में विलक्षण है, अद्वितीय है। 1980 से निरंतर बगैर थके बगैर रुके निरंकारी राजमाता जी और पूज्य माता जी के साथ प्रेम, भाईचारे, मानवता और प्रेमा भक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे सर के ताज हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की अनंत कल्याण यात्राओं का ब्यौरा देखिए इस रिपोर्ट में। अमन चैन के मसीहा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जीवन यात्रा ही सही मायने में कल्याण यात्रा बन चुकी थी। आप जीवन पर्यंत बिना थके बिना रुके लगातार देश विदेश के कोने कोने में जाकर मानव कल्याण यात्राएं करते रहे। यूं तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी और बाबा गुरुबचन सिंह जी के साथ देश एवं दूर देशों की कल्याण यात्राओं में एक भक्त सेवादार के रूप में सम्मिलित रहते थे। सदगुरु रूप में प्रकट होने के पश्चात 1980 से लेकर मई 2016 तक इन 36 वर्षों में लगातार समय से आगे चलते हुए धरती के कोने कोने की कल्याण यात्राएं करते हुए विश्व के लगभग 27 देशों में निरंकारी मिशन को स्थापित कर प्रेम, मानवता, एकत्व और भाईचारे का संदेश देते रहे। पहली कल्याण यात्रा परम ममतामयी राजमाता जी और परम पूज्य माता जी के साथ 1980 में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों की थी, जो 22 जून से 29 जून तक चली थी। तत्पश्चात आपके दृढ़ संकल्पित कदम बढ़ते ही गए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राह पर बनते गए आपके कदमों के निशान। हर मानव को अपनाया, हर संस्कृति का सम्मान किया, हर रंग में रंग गए, हर ढंग को अपना लिया। मसूरी पहुंचे तो मानो पहाड़ों के वीरानों में बाहर आ गई। गांव हो या शहर, नगर हो या कस्बा, आप चलते ही रहे। गरीब अमीर, ऊंच नीच, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा, हर किसी के बन गए और हर किसी को अपना लिया। हर आमोखास पर अपनी कृपा दृष्टि समान रूप से बरसाते रहे। न दिन देखा और न रात, न सुबह देखी न शाम, बस चलते रहे। सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी मौसम की परवाह किए बगैर, लंबी लंबी सड़कें हों या धूल से भरी कच्ची पगडंडियां, कीचड़ से भरी गलियां हों या ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे रास्ते, आपके पावन कदम बिना थके बढ़ते जाते। सत्य के प्रचार के लिए आपने हर उस साधन का प्रयोग किया जो समय की आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध हुआ। कभी रेलगाड़ी में सफर किया तो कभी बैलगाड़ी में भी, कार में चले तो लंबे लंबे रास्तों को पैदल भी तय किया। ऊंची ऊंची इमारतों और महलों में गए तो फूस की झोपड़ियों में भी उतने ही प्रेम से आपके पावन चरण पड़े। कहीं कुछ भी रूखा सूखा खाकर तृप्त हो गए तो कहीं किसी वीराने में भी चंद पल विश्राम कर लिया। कभी खुले मैदानों में तो कभी पहाड़ों पर चढ़ते गए, कभी समुन्द्र के किनारे तो कभी रेगिस्तानों में चलते गए। कहीं खुले आसमान के नीचे बैठकर भक्तों को आध्यात्मिकता की खुराक बांटी तो कहीं चलते चलते रास्ते में ही भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा कर निहाल कर दिया। यूं तो आपके लिए पूरा ब्रह्मांड ही पूजा स्थल था, फिर भी किसी ने प्रेम से बुलाया तो धार्मिक स्थानों पर भी प्रेम पूर्वक चले गए। हर प्रकार के परंपरापूर्ण सम्मान को भी प्रेम से स्वीकार किया।
आप देश की सीमाओं को लांघकर दूर देशों में भी स्थान स्थान पर जाकर अपना प्यार दुलार बांटते रहे। सदगुरु के रूप में प्रकट होने के उपरांत दूर देशों की पहली कल्याण यात्रा में आप 19 दिसंबर 1980 को लंदन गए और वहां बसने वाले भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। इस कल्याण यात्रा में राजमाता कुलवंत कौर जी और पूज्य माता सविंदर जी भी आपके साथ थीं। तत्पश्चात दूर देशों की कल्याण यात्राओं का एक सिलसिला सा चल पड़ा और विश्व के 27 देशों में निरंकारी मिशन की शाखाएं फलने और फूलने लगी। आपके लिए कोई भी बेगाना ना था। देश विदेश का कोई भी नागरिक जो आपसे मिलता वो आपका ही होकर रह जाता। आप जहां जहां भी जाते प्रेम अमन शांति बरसाते जाते। आपको अनेक परोपकार पुण्य कार्यों के लिए विभिन्न देशों द्वारा सम्मानित किया गया। कल्याण यात्राओं के दौरान स्थान स्थान पर आयोजित सत्संग समारोह में जब आपका आगमन होता तो जैसे चारों ओर आनंद की लहर आ जाती। भक्त जनों के चेहरे खुशियों से खिल जाते। सभी पर बराबर मुस्कुराकर कृपा दृष्टि बरसाते हुए मानो आप हर भक्त का कुशल क्षेम पूछते। हर आगंतुक चाहे वो समाज में किसी भी श्रेणी का हो सभी से प्रेम पूर्वक मिलते। बड़े धैर्य से भक्तों के मुखारविंद से आने वाले हर भाव को सुनते और अंत में अपने आशीर्वचनों में बड़े नपे तुले कोमल और अर्थपूर्ण शब्दों का सहारा लेकर आशीर्वाद प्रदान करते। भक्त आपके रंग में रंगे या नहीं, लेकिन आप भक्तों के रंग में रंग गए। सबकी खुशी के लिए गीत गाए, नृत्य किया, कविता पढ़ी, खुलकर हंसे और सबको हंसना सिखाया, मुस्कुराए और सबको मुस्कुराना सिखाया। सिर पर कर कमलों का स्पर्श कर आशीर्वाद प्रदान करते, झुककर स्नेहपूर्ण निगाह से हालचाल पूछते, थोड़े ही समय में ढेर सारी खुशियां दे जाते और इस प्रकार धरती के कोने कोने में चैनो अमन की धारा बरसाते हुए इंसानियत की जिंदगी को खुशियों से महकाते हुए दिलों में अपने पावन प्रेम का दिया जलाकर आप वापस अपने निराकार स्वरूप की ओर चल पड़े। आपका प्रेम दिलों से दिलों की ओर बह रहा है और जब तक जहां तक ये बहता रहेगा आपका स्वरूप भी बढ़ता ही रहेगा। मित्रों, सतगुरु बाबा जी ने जहां एक और कल्याण यात्राओं से मानवता को कृतार्थ किया, वहीं हर वर्ष कई ऐसे विशाल संत समागम आयोजित किए जिनमें लाखों की संख्या में पहुंचकर भक्तजन वसुधैव कुटुंबकम के साक्षात दर्शन करते थे और समाज के लिए एक अद्भुत मिसाल कायम करते थे। चाहे वो दिल्ली का वार्षिक समागम हो या प्रांतीय समागमों की लड़ी, हर समागम अपने आप में गुरु दीक्षा का एक विशेष प्रभाव छोड़कर जाता था और जो संदेश, जो विषय इन समागमों पर सदगुरु बाबा जी हम सभी को, सभी मानव जाति को दिया करते थे, वो भक्ति को और परिपक्व कर जाते। जैसे वननेस, ह्यूमन वैल्यूज, टॉलरेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ह्यूमिलिटी, लविंग डिवोशन, हार्मनी, ह्यूमननेस और न जाने ऐसे कितने विषय। दीज समागम्स ऑल्सो इंक्लूडेड वेरियस सच इवेंट्स इन द इंटरनेशनल ब्रांचेज ऑफ द संत निरंकारी मिशन। And who can forget the glory and grandeur of the first Nirankari International Samagam, which was held in Birmingham, UK in the year 2012? Well, all we have is fond memories to learn from. Here is a report on the numerous samagams held under the auspicious grace of His Holiness Baba Hardev Singh Ji, including various regional, national and international samagams that left the entire mankind impressed, influenced and inspired. सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जीवन भर जहां कल्याण यात्राओं के माध्यम से स्थान स्थान पर जाकर भक्तों को अपनी कृपा से निहाल करते रहे, वहीं विभिन्न समागमों के द्वारा जन जन तक सत्य का संदेश भी पहुंचाते रहे। वर्ष 1980 से पहले भी ये समागम शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की रहनुमाई में अनेक जगहों पर वक्त वक्त पर आयोजित होते रहे। 1980 के बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सदगुरु रूप में प्रकट होने के उपरांत इन समागमों की श्रृंखला तेजी से बढ़ने लगी। साल 1980, वर्ष 1980 का ये वार्षिक समागम निरंकारी मिशन का ऐतिहासिक समागम था, क्योंकि इसी वर्ष श्रद्धालु भक्तों को
युग दृष्टा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की रहनुमाई प्राप्त हुई थी। 1980 से लेकर 2016 तक इन 36 वर्षों के दौरान हुजूर बाबा जी की छत्रछाया में दिल्ली के वार्षिक समागम के अलावा वर्ष भर भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रादेशिक और प्रांतीय समागम आयोजित किए जाते रहे। हर साल नवंबर के महीने में दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित समागम ग्राउंड में 3 दिवसीय वार्षिक समागम का आयोजन होता रहा, जहां लाखों की संख्या में देश विदेश से भक्त जनों का आगमन होता रहा और चारों ओर भव्य अलौकिक नजारा सजता रहा। समागम के पहले दिन शोभा यात्रा की शोभा देखते ही बनती थी, दूसरे दिन सेवा दल रैली का अद्भुत नजारा होता था, तीसरे दिन जनरल बॉडी मीटिंग में सदगुरु बाबा जी द्वारा प्रबंधकों को दिशा निर्देश दिए जाते और चौथे दिन पारिवारिक रूप से मनाए जाने वाले गुरु वंदना कार्यक्रम में भक्त अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपने सदगुरु को रिझाने का प्रयास करते थे। सदगुरु बाबा जी की छत्रछाया में दिल्ली के समागम ग्राउंड में ही वक्त वक्त पर अनेक मुख्य समागम भी आयोजित होते रहे, जिनमें जनवरी के महीने में राजमाता जी के जन्मदिन और नववर्ष के रूप में समागम आयोजित होता रहा। वहीं जनवरी के ही महीने में भक्ति पर्व समागम भी मनाया जाता रहा। इसी प्रकार फरवरी के महीने में 22 और 23 तारीख को सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा दल रैली और गुरु पूजा दिवस समागम मनाया जाता रहा। इसके अतिरिक्त अप्रैल के महीने में 24 तारीख को प्रतिवर्ष सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की छत्रछाया में मानव एकता दिवस समागम मनाया जाता रहा, जिसमें बाबा गुरबचन सिंह जी और अन्य भक्तों के मानवता की खातिर दिए गए बलिदानों को प्रेरणा स्वरूप याद किया जाता रहा। इसी दिन देश विदेश में जगह जगह पर रक्तदान शिविर भी लगाए जाते रहे। इसके अलावा अगस्त के महीने में 15 तारीख को मुक्ति पर्व समागम का आयोजन किया जाता रहा, जिसमें शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज व अन्य भक्तों के त्याग और परोपकारों को याद किया जाता रहा। इसी तरह वर्ष 2014 में 1 सितंबर को सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की छत्रछाया में निरंकारी राजमाता जी की याद में प्रेरणा दिवस समागम मनाया गया। इसी प्रकार प्रादेशिक समागमों की श्रृंखला में साल के आरंभ में सबसे पहले महाराष्ट्र का प्रादेशिक समागम मुंबई में आयोजित किया जाता रहा और फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी वर्ष भर लगातार प्रादेशिक समागमों का सिलसिला चलता रहा और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का भरपूर आशीर्वाद और प्यार दुलार संगतों पर बरसता रहा। वार्षिक और प्रादेशिक समागमों के अलावा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की रहनुमाई में बाल समागम, इंग्लिश मीडियम समागम भी आयोजित होते रहे। सदगुरु बाबा जी की छत्रछाया में वर्ष 1997 में निरंकारी मिशन का 50वां ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती समागम 6 से 10 नवंबर तक आयोजित किया गया। ये समागम इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि ये देश के स्वर्ण जयंती वर्ष में हुआ था। 5 दिवसीय इस समागम में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक संगम, सामूहिक विवाह समारोह, बच्चों का एकता मार्च और निरंकारी प्रदर्शनी शामिल थी। भारत देश में जहां इन समागमों की लड़ी सजती रही, वहीं विदेशों में भी वक्त वक्त पर अनेक समागम आयोजित होते रहे। पड़ोसी देश नेपाल में सदगुरु बाबा जी का पहली बार 22 फरवरी 1992 में आगमन हुआ और नेपाल के टीकापुर में पहला 2 दिवसीय निरंकारी संत समागम आयोजित किया गया। इसी प्रकार दूर देशों की धरती पर भी ये समागमों का सिलसिला चलता रहा, जिसमें गत वर्ष 2012 में NIS के रूप में पहली बार UK के बर्मिंगम में एक अंतर्राष्ट्रीय निरंकारी संत समागम आयोजित किया गया। इस समागम में जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भक्त उपस्थित हुए, वहीं स्थानीय नागरिकों ने भी उत्साह पूर्वक सम्मिलित होकर सदगुरु बाबा जी का
आशीर्वाद प्राप्त किया। इस समागम में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा दिए जा रहे अमन, शांति और एकत्व की शिक्षाओं को वहां की मीडिया और गणमान्य सज्जनों द्वारा भरपूर सराहा गया। सद्गुरु बाबा जी द्वारा इन समागमों के माध्यम से विश्व भर में फैलाए गए प्रेम, अमन, शांति और एकत्व की खुशबू आज भी मानवता के दिल में महक रही है और सदैव महकती रहेगी। The vision of His Holiness Nirankari Baba Hardev Singh Ji Maharaj was so universal, inclusive and compassionate that it made the mission grow in leaps and bounds across the globe in numerous nations. Baba Hardev Singh Ji ne dur deshon mein bhi mission ke adhyatmik aur samajik pehlu ko bakhubi sthapit kiya, jiska anek roopon mein samay-samay par samman bhi kiya jata raha. His Holiness carried forward the legacy of Baba Gurbachan Singh Ji, enlightening mankind with the glow of God knowledge, showering His unprejudiced love and compassion to one and all. Let's take a look at the journey of Sadhguru Babaji beyond the Indian boundaries through this report. Ever since he was appointed as the master of the era, Baba Hardev Singh Ji tirelessly made regular visits to numerous cities, countries and continents of the world. He inspired the devotees to reach out to the society through social and spiritual initiatives. The overseas branches of the mission became active at various social forums of international recognition and importance. Many interfaith symposiums and conventions were organized from time to time. Sadhguru Babaji samay samay par in dur deshon mein jaakar sabhi bhakton ko nihal karte. Babaji ke saath Nirankari Rajmata ji va Pujya Mata Savindar ji bhi कल्याण की इस गाथा में भक्तों को भरपूर आशीर्वाद देते रहे। His Holiness Babaji was called at many esteemed gatherings, including the European Parliament. The activities of the mission were highly respected and honored by various international organizations and governments. The Sant Nirankari Mission received scores of recognitions from these organizations, the latest one being Her Majesty the Queen of England's highly esteemed Golden Jubilee Queen's Award in the year 2015 for the contributions made by the mission in the field of selfless social services. Besides these, the volunteers of the mission also made it a point to share Babaji's vision and mission during important days and festivals. Sadhguru Baba Hardev Singh Ji always promoted and motivated the youth to come forward and take active part in spreading the message of the mission through novel ways. It was perhaps this vision in his mind that Babaji started the series of international samagams, the first one being NIS 2012 held in UK. The contributions of His Holiness also included a unique youth conference held in Calgary, Canada in the month of July 2015, where the youth discussed the teachings of the mission around the thought given by Babaji, a world without walls, bridging humanity piece by piece. Thousands and thousands of devotees residing in various parts of the world can never forget the love and grace showered by His Holiness on each one. Let us pray in the holy feet of Her Holiness Mother Savindar Ji that we are able to live up to the vision and words of His Holiness Baba Hardev Singh Ji under her blissful grace. His Holiness Babaji always wanted that we should apply our spiritual teachings in a very practical way, reaching out and helping our brothers and sisters in the society through various social efforts. Having started the blood donation camps in 1987 with the message that blood should flow in veins and not in drains, His Holiness took the social welfare initiative to a new dimension through the establishment of Sant Nirankari Charitable Foundation. The foundation has been committed to heal, enrich and empower the society at large without any prejudice or bias. 1980 se lekar 2016 tak samajik utthan ko Baba Hardev Singh ji ne ek adbhut roop pradan kiya. Aaiye jante hain Baba Hardev Singh ji ke yug mein hue samajik yogdano ko SNCF diary mein. मानवता के मसीहा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन का प्रत्येक पल मानवता के कल्याण हेतु समर्पित रहा। वर्ष 1980 में सद्गुरु रूप में प्रकट होने के पश्चात
आपने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी व बाबा गुरबचन सिंह जी के परोपकार पूर्ण कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया। बाबा हरदेव सिंह जी ने वर्ष 1986 में बाबा गुरबचन सिंह जी की याद में मानवता को एक नई दिशा प्रदान की। आपने संदेश दिया कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। तब से निरंतर हर वर्ष मिशन की ओर से विश्व भर में जगह जगह पर रक्तदान शिविर लगाए जाते रहे और हजारों श्रद्धालुओं द्वारा रक्तदान किया जाता रहा। वर्ष भर लगने वाले रक्तदान शिविरों के अवसर पर SNCF के वॉलंटियर्स द्वारा रक्तदान के प्रति जन सामान्य को जागरूक करने हेतु बाइक रैली भी निकाली जाती रही। मानवता को जीवन दान देने हेतु आपने वर्ष 2016 में मुंबई के विले पार्ले स्थित निरंकारी सत्संग भवन में पहला ब्लड बैंक स्थापित किया। जिससे लोग इसे लाभ उठा सके, तो संदेश यही है कि बाकी भी लोग ये दान रक्त का देने के लिए आगे आएं और मानवता के काम आएं। सर्वाधिक ब्लड डोनेशन के लिए मिशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अनेक संस्थाओं द्वारा वक्त वक्त पर सम्मानित भी किया गया। वर्ष 2010 में आपने मिशन की प्रबंध व्यवस्था को एक नया स्वरूप प्रदान किया और केंद्रीय योजना व सलाहकार बोर्ड तथा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की। गुरु पूजा दिवस के अवसर पर आपके मार्गदर्शन में देश व दूर देशों में पहली बार सफाई अभियान चलाया गया, जो कि प्रत्येक वर्ष गुरु पूजा दिवस के अवसर पर चलता रहा। इसके अलावा वर्ष 2016 में 23 फरवरी को गुरु पूजा दिवस के अवसर पर सफाई अभियान के तहत संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के स्वयंसेवकों और मिशन के सेवादारों द्वारा देश भर में अनेक अस्पतालों की विधिवत सफाई की गई। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जहां मन की शुद्धता हेतु सत्संग रूपी सरिता उपलब्ध कराते रहे, वहीं पर्यावरण की शुद्धता हेतु वक्त वक्त पर मानव मात्र को जागरूक भी करते रहे। आपने वर्ष 2010 में संदेश दिया कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों हानिकारक हैं। आपने न केवल संदेश दिया बल्कि स्वयं अपने हाथों से वृक्षारोपण करके इसे क्रियात्मक रूप भी प्रदान किया। वृक्षारोपण के इस अभियान को देश भर के अनेक स्थानों पर चलाया गया। इसी लड़ी में वर्ष 2015 में अगस्त के महीने में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की ओर से दिल्ली के तिलपत वैली घाटी में हरित अभियान चलाया गया, जिसमें संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के वॉलंटियर समेत लगभग 30,000 निरंकारी भक्तों ने भी भाग लिया और सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की अगुवाई में लाखों पेड़ लगाए। इस अभियान का शुभारंभ स्वयं सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज व पूज्य माता जी ने अपने पावन कर कमलों से वृक्षारोपण करके किया। इस अवसर पर हुजूर बाबा जी ने पर्यावरण की स्वच्छता व वृक्षारोपण की महत्वता बताते हुए कहा, ऐसे कोई भी ड्राइव होते हैं या मिशन की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत डेडिकेशन के साथ होती है। अपना काम समझकर देश के हित के लिए, एनवायरनमेंट के लिए स्वच्छता अभियान भी चलते हैं, उसमें भी मिशन अरसे से ये कार्य कर रहा है। और केवल दिल्ली की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर प्रांत में स्वच्छता अभियान या फिर ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स चलती हैं। और अगर इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो तब भी पीछे ही हमें इसी जून में क्वींस अवार्ड मिला इंग्लैंड में, जस्ट फॉर दिस पर्पस के मिशन की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रही है कम्युनिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। इसके अलावा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्यटन स्थल मसूरी सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदूषण नियंत्रित अभियान भी चलाए गए, जिसमें निरंकारी भक्तों द्वारा जहाँ इस पर्यटन स्थल के कोने कोने में सफाई की गई, वहीं स्लोगन्स के माध्यम से सफाई और वृक्षारोपण के प्रति लाखों लोगों को जागरूक भी किया गया।
आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर के ऊपर जहां पर इस तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है, वहां पर जो मिशन जिसकी तरफ योगदान मुख्य रूप में दे रहा है कि हमारा आंतरिक प्रदूषण जो है, हमारा जो इंटरनल प्रदूषण है, हमारे ख्याल, हमारी सोच, हमारी भावनाओं को जो प्रदूषित हो चुकी हैं, जहां पर वैर, ईर्ष्या, नफरत की भावनाओं की गंदगी से हम युक्त हैं, तो इस प्रदूषण को दूर करना है और हमने प्रेम, मिलवर्तन, स्नेह, इन भावनाओं से युक्त होना है। इसके अलावा सदगुरु बाबा जी की सरपरस्ती में मिशन के सेवादारों और SNCF के वॉलंटियर्स द्वारा सफाई अभियान के तहत विभिन्न धार्मिक घाटों और दिल्ली के हिस्टोरिकल प्लेसेस में भी सफाई की गई। इसी प्रकार सदगुरु बाबा जी की रहनुमाई में गत वर्ष 2 अक्टूबर 2015 से देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रत्येक महीने स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें SNCF के वॉलंटियर्स और सेवादारों द्वारा देश भर के रेलवे स्टेशन परिसर की विधिवत सफाई की जाती है। ये अभियान प्रत्येक महीने निरंतर जारी है। जो आज सफाई अभियान चल रहे हैं जगह जगह पर, तो यहाँ आज अभी इस वक्त न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर अभी कार्यक्रम हुआ, जहाँ पर रेलवे के उच्च अधिकारी महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हुए, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में वॉलंटियर सेवा दल के और SN जो हमारी फाउंडेशन है, नंकारी फाउंडेशन चैरिटेबल, और अनेकों अनेकों कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन्स की सफाई कर रहे हैं, जो कि ऑन गोइंग प्रोसेस हर महीने ऐसे ही स्टेशन्स जो मार्क्ड हैं वहाँ पर अपना योगदान देंगे, और ऐसे ही लगन और इंथुजियाज्म देखकर बहुत खुशी हुई है। हुजूर बाबा जी बच्चों की बेहतर शिक्षाओं के लिए सदैव प्रयासरत रहे हैं। आपने बच्चों की शिक्षाओं को बढ़ावा देने हेतु जहां अनेक स्कूल खुलवाए, वहीं शिक्षा को बेहतर बनाने और आधुनिक सुविधा मुहैया करवाने हेतु कई स्कूलों में कंप्यूटर लगवाए, अनेक स्कूलों को अडॉप्ट भी किया। इसके अलावा शिक्षा के निजी संस्थानों को यथासंभव सहायता भी प्रदान की। इसी लड़ी में निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज सोना में साइंस फैकल्टी की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन स्वयं सदगुरु बाबा जी के पावन कर कमलों द्वारा हुआ। गत दिनों इसी कॉलेज में हुजूर बाबा जी के सरपरस्ती में बच्चों और युवाओं को खेल कूद के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु एक एथलीट मीट का आयोजन किया गया था और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया था। बच्चों, युवाओं और महिलाओं के बहुमुखी विकास के लिए सदगुरु बाबा जी सदैव प्रयासरत रहे। आपके मार्गदर्शन में NIIT, NSDC और VAG के सहयोग से SNCF की ओर से स्थान स्थान पर खोले गए निरंकारी वोकेशनल सेंटर के छात्र छात्राओं को भिन्न भिन्न कोर्स करवाए गए। इसी के साथ साथ SNCF की ओर से निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट भी खोला गया, और इसके अलावा जगह जगह पर महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई केंद्र और अनेक प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। सदगुरु बाबा जी ने जहां बच्चों की बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की, वहीं बुजुर्गों की बेहतर देखभाल के लिए एक ओल्ड एज होम की भी स्थापना की। सदगुरु बाबा जी के मार्गदर्शन और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में समय समय पर स्कूली और निर्धन बच्चों को किताबें, कपड़े, शिक्षा राशि उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा SNCF के वॉलंटियर्स द्वारा मुफ्त ट्यूशन भी दी जाती रही। प्राकृतिक आपदाओं द्वारा भारी नुकसान से लोगों की सहायता हेतु SNCF की ओर से रिलीफ कैंप्स भी लगाए जाते रहे, साथ ही प्रभावित लोगों को यथासंभव राहत सामग्री बांटी गई। वक्त वक्त पर सदगुरु बाबा जी की रहनुमाई में SNCF की ओर से अनाथ, दिव्यांग और कैंसर पीड़ितों को सहायता भी प्रदान की गई। और इसके साथ ही दिल्ली में दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित ओलंपिक गेम्स में भी SNCF वॉलंटियर्स ने अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसे सरकार ने भी सराहा।
इसके अलावा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के मार्गदर्शन में SNCF की ओर से वक्त वक्त पर सामूहिक शादियां भी करवाई गईं और स्थान स्थान पर मिशन के इतिहास और गतिविधियों को उकेरती प्रदर्शनियां भी लगाई गईं। सामाजिक सेवाओं की इस लड़ी को आगे बढ़ाते हुए तिहाड़ जेल सहित देश की अनेक जेलों में फ्री आई चेकअप कैंप्स और मेडिकल चेकअप कैंप लगवाए गए। इसके अतिरिक्त कैदियों को मिशन की ओर से दवाइयां, कपड़े, खाद्य सामग्री, स्विंग मशीन, पुलओवर्स, चश्मे और जरूरी सामान बांटे गए। इसके अतिरिक्त फ्री मेडिकल चेकअप कैंप और आई चेकअप कैंप देश के विभिन्न स्थानों पर वक्त वक्त पर लगाए जाते रहे और साथ ही योगा कैंप, एक्यूप्रेशर और सुजो कैंप भी लगाए गए। संपूर्ण विश्व को एकत्व का संदेश देने हेतु सदगुरु बाबा जी ने अनेक प्रयास किए। अपनी रहनुमाई में वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर गुजरात में रन फॉर वननेस का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 25,000 युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आप सभी हजारों की संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सभी को सफलता प्रदान करे दाता। इसी लड़ी में 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली में भी रन फॉर वननेस का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों युवा सम्मिलित हुए। वननेस इज बेसिकली दैट ऑल शुड लिव इन हार्मनी बिकॉज़ वी आर ऑल अ डिवाइडेड लॉट बिल्ट बैरियर्स अमंगस्ट आवरसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनैलिटीज, कल्चर्स। So oneness is very important for having peace, and all can exist peacefully. So that's why to promote this vision and feeling of oneness, such an event has been organized. इसी प्रकार सत्य और मानवता का संदेश देने हेतु हुजूर बाबा जी के मार्गदर्शन में अनेक रैलियां भी निकाली गईं। हुजूर बाबा जी के हृदय में हर आम खास की फिक्र थी। आपके द्वारा स्थान स्थान पर फ्री डिस्पेंसरी, मोबाइल डिस्पेंसरी और डेंटल क्लिनिक भी खुलवाए गए। मानव कल्याण के उद्देश्य को साकार करते हुए वर्ष 2015 में दिल्ली में एक हेल्थ सिटी हॉस्पिटल की नींव आपने अपने पावन कर कमलों द्वारा रखी। आपका उद्देश्य था कि हर मानव का भला हो, हर मानव बेहतर स्वास्थ्य और सुखमय जीवन पाए, और इसी उद्देश्य के तहत आप आजीवन प्रयास करते रहे। आपका ये उपकार सदैव फलता फूलता रहेगा। मानव कल्याण हेतु दी गई इस देन के लिए मानवता सदैव आपकी ऋणी होगी। दोस्तों, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी से जो भी मिला प्रेम से सराबोर हो गया। ऐसी आभा, ऐसी मुस्कान और ऐसा रूहानी नूर गुरुदेव की शख्सियत से चारों ओर फैलता कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते। गुरुदेव व मिशन के बारे में समाज के हमारे अनेक मित्रों ने समय समय पर अपने भाव रखे, जो हर महीने न्यूज़ डिवाइन में हम आप तक एक खास मुलाकात के माध्यम से लाते थे। इस बार से ये सेक्शन, इसे नाम दिया जा रहा है एन इटर्नल होमेज, एक अनंत श्रद्धांजलि, क्योंकि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का जीवन इतना विशाल और संपूर्ण था कि उनके अनंत योगदानों का जिक्र अनंत युगों तक किया जाता रहेगा। बाबा जी के देह त्यागने के पश्चात समाज के लाखों लोगों ने गुरुदेव के जीवन के आगे अपना सर झुका लिया। हर आंख में आंसू थे, हर हाथ जुड़ा हुआ था। ऐसे में गुरुदेव के पार्थिव शरीर के दर्शन करने कई मतों व संप्रदायों से गणमान्य लोग पहुंचे। कई मित्रों व समाज सेवियों के संदेश भी आते रहे। स्वयं देश के राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी व अन्य कई राजनेताओं आदि ने ट्वीट के द्वारा या पत्रों के द्वारा अपने शोक संदेश प्रेषित किए। ऐसे में कुछ मित्रों से बातचीत हम आप तक पहुँचा रहे हैं अपने इस सेक्शन में
जिसका नाम रहेगा एन इटर्नल होमेज, एक अनंत श्रद्धांजलि। We are here at the Belvedere Funeral Home in Montreal, and with me is Mr. Parag Jain. Mr. Jain, such a big shock for the entire humanity, I would say. Share your thoughts. How do you feel right now? Well, firstly, on my personal behalf, and on behalf of His Excellency Mr. Vishnu Prakash, the High Commissioner of India in Ottawa, I extend my heartfelt condolences to the family of the late His Holiness Baba Hardev Singh Ji, as well as the entire community of the Nirankari Mission. It is a great loss to humanity, but I think his message is going to be remembered forever, and that is the important bit. I'm given to understand that in India, our senior leadership is also very saddened about the sad demise and the loss to the entire Nirankari Mission Society. Mr. Parag Jain, on behalf of the Sant Nirankari Mission, I really want to thank you with so much support, with you know so much that the Indian High Commission is doing for the Sant Nirankari Mission. Just one message that you would like to give to humanity out there, as to you know when such an icon, you know, the epitome of peace and love is gone, what message would you like to give to the citizens here in Montreal and worldwide? Well, I think I am in no position to give any message. Rather, I am taking back a message. It's very, very heartening and enlightening to learn about the mission's overall philosophy and Babaji's message to the world. I mean, his message is of plain living, simple living, high values, and transcends all religions. I mean, this is a message of your unity, which reverberates across humanity, and it is, I think, the crying need in our divided world today. So I think I am taking back this message. Thank you so much, Mr. Parag Jain. Thank you so much for talking to News Divine. Mitro, इन सभी योगदानों के अलावा जिनका हमने अभी तक न्यूज़ डिवाइन के इस विशेष अंक में जिक्र किया, और भी कई ऐसे आयाम स्थापित हुए सद्गुरु बाबा जी के जीवन में जो न केवल सुंदर हैं पर साथ ही प्रेरणात्मक भी हैं। निरंकारी सरोवर, निरंकारी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, निरंकारी म्यूजियम, जर्नी डिवाइन और फाउंटेन ऑफ वननेस, सभी मनमोहक। इसके अलावा प्रचार प्रसार के नए नए प्रयोग, पत्र पत्रिकाओं का बदलता रूप, म्यूजिक में ऑडियोज और वीडियोज नए नए रूप में प्रस्तुत होते रहे, वॉइस डिवाइन, न्यूज़ डिवाइन का ये रूप, और ऐसे अनेक इनिशिएटिव्स और आइडियाज़ के द्वारा बाबा जी ने मिशन को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। आइए देखते हैं अदर न्यूज़ में। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य मार्गदर्शन में निरंकारी मिशन को अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई, और समय समय पर मिशन की ओर से अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक कार्य किए गए, जिसके लिए मिशन को देश विदेश में अनेक बार सम्मानित किया गया। वर्ष 2007 में 26 सितंबर को फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में 27 देशों की यूरोपियन संसद द्वारा सदगुरु बाबा जी का भव्य स्वागत किया गया। प्रचार प्रसार को व्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु बाबा जी की रहनुमाई में एक विशेष जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें प्रबंध एवं व्यवस्था संबंधी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसी मीटिंग में कंप्यूटर व इंटरनेट विभाग की स्थापना हुई। संत निरंकारी मिशन की वेबसाइट www.nirankari.org लॉन्च कर सदगुरु बाबा जी ने सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ प्रचार व प्रसार के नए युग का आरंभ किया। 28 व 29 मार्च 2002 को दिल्ली में सदगुरु बाबा जी के मार्गदर्शन में विशेष जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित की गई। बाबा अवतार सिंह जी द्वारा स्थापित सरोवर को आपने अपने समय में ऐसा सुंदर रूप प्रदान किया कि यह स्थल दिल्ली सरकार द्वारा
अपने पर्यटन मानचित्र में शामिल कर लिया गया। मिशन के इतिहास और आरंभ से अब तक की समस्त गतिविधियों को दर्शाने हेतु इसी परिसर में आधुनिक तकनीक से डिवाइन जर्नी म्यूजियम स्थापित किया गया। विश्व में एकत्व के भाव को साकार करते हुए इसी परिसर में आपने एक भव्य संगीतमय फव्वारे का निर्माण करवाया, जो जनसाधारण के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वर्ष 2008 में हुजूर बाबा जी के मार्गदर्शन में 2 व 3 मई को पत्र पत्रिकाओं का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सद्गुरु ने मिशन के प्रचार व प्रसार में साहित्य के योगदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। सत्य के प्रचार प्रसार हेतु हुजूर बाबा जी ने निरंकारी स्टूडियो की स्थापना की। इसके अलावा आपने मिशन द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं और साहित्य को समय समय पर नया स्वरूप प्रदान किया। फ्रेंड्स, द लाइफ, द कॉन्ट्रीब्यूशंस, द टीचिंग्स, द स्माइल, द ग्रेस एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज होलीनेस बाबा हरदेव सिंह जी कैन नेवर एवर बी एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली थ्रू एनी नंबर ऑफ वर्ड्स। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के व्यक्तित्व, उनके योगदान और उनकी 62 वर्ष की इतनी संपूर्ण व उत्तम जीवन यात्रा को इस छोटे से एपिसोड में समेट पाना असंभव था, पर हमारा प्रयास रहा कि हम संक्षेप में ही सही बाबा जी के जीवन व योगदानों पर नज़र डालते हुए उनकी शिक्षा व प्रेरणा का जिक्र करें, जो कि आने वाले युगों के लिए एक कभी ना भुलाई जाने वाली मिसाल व दिव्य गाथा का रूप बन चुकी है। और ऐसा करते हुए आइए मिलकर वक्त की रहनुमा सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी के पावन चरणों में ये अरदास करें कि हे सदगुरु, आप हमें जहाँ एक और अपना भाणा मानने की शक्ति दें, वहीं सदगुरु बाबा जी के आदर्शों पर चलने का बल, बुद्धि और विवेक बख्शें, ताकि हम सब मिलकर अपने कर्म से निरंकारी मिशन के संदेश को जन जन तक ले जाएं, जो कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का उद्देश्य था, ध्येय था, मिशन था। इसी संकल्प के साथ इजाज़त दीजिए राकेश को। नमस्कार, धन निरंकार।